हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कॉर्डेट से एक टॉपिक है मोनोसिस्टिस एजिलिस, इसकी हम रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लो, जो मोनोसिस्टिस एजिलिस है, मोनोसिस्ट ये एंडोपैरासाइट होता है और ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स होता है। और ये एंडोपैरासाइट होता है मींस ये अर्थवॉर्म पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल पर। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोनोसिस्टिस इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक कहने का मतलब है सिंगल होस्ट, एक होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना। दैट इज इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन ए सिंगल होस्ट। उसका मतलब ये कह रहा है कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है सिंगल होस्ट पर, और उसका होस्ट क्या है, अर्थ फॉर्म है। ओनली द जायगोट इज डिप्लॉयड। इसमें जो जायगोट होगा, जायगोट इसका जो होता है वो डिप्लॉयड होता है व्हाइल ऑल अदर स्टेजेस आर एम्प्लॉयड। जायगोट ही सिर्फ डिप्लॉयड होगा, बाकी जितने भी स्टेजेस इसमें आएंगी लाइफ साइकिल में वो हैप्लॉयड होंगी। दिस द लाइफ साइकिल प्रोसीड एज फॉलोस। पहला क्या है, गैमेटोगोनी। ठीक है, गैमेटोगोनी क्या है, मोनोसिस्ट की लाइफ साइकिल में पाया जाने वाला बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोगैमी कहलाता है। इसमें जो बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेटोगोनी कहलाता है, जिससे मोनोसिस्ट अपने गोनेट्स को गैमोन के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। मोनोसिस्ट जो होता है वो अपने गोनेट को गैमोन के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। यही गैमोन जो होता है, ये गैमोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं, जो आगे चलकर गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व ऑफ पेयरिंग ऑफ गैमोन्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, पेयरिंग ऑफ गैमोन्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन इट टेक प्लेस एज फॉलो। आप डायग्राम में यहाँ देख लो, ये देखो ये पेयरिंग बना ली है। ठीक है, गैमेटोसाइट्स, ठीक है, ये पेयरिंग बना ली है। ये एडल्ट ट्रोपोजोइट आप देख रहे हैं इसको, सी जी जी। ठीक है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ फीडिंग एंड ग्रोइंग ईच ट्रोपोजोइट बिकम एंड ओवर। सी जी जी क्या है, ये संयुग्म होता है, संयुग्म बनाना। ठीक है, तो जब आफ्टर ए पीरियड ऑफ फीडिंग एंड ग्रोइंग, जब ये मोनोसिस्ट जो होता है ये फीडिंग एंड ग्रोइंग जब इसका हो जाता है उस पीरियड के बाद, इस ट्रोफोजोइट बिकम्स एंड ओवर, जो इसका ट्रोफोजोइट होता है वो ओवल शेप में हो जाता है। आप डाइग्राम में यहाँ देख सकते हो, ये एडल्ट स्टेज है। ठीक है, एडल्ट ट्रोफोजोइट, जब ये फीडिंग और ग्रोइंग स्टेज के बाद ये ओवल शेप में बना रहा है, ओवल शेप में बन गया, ये बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी कॉल्ड दी गैमोन्स। अब ये बॉडी क्या, गैमोन्स के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, इसका जो गोनेट्स होता है वो गैमोन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। यही गैमोट जो पेयर के रूप में पाए जाते हैं आगे चलकर गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन होने पे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। द गैमेटोसिस बिकम शॉर्टेड एंड स्फेरिकल एंड देन दे सीक्रेट ए सिस्ट वॉल। अब क्या करता है, ये जो गैमेटोसाइट होगा, गैमेटोसाइट बिकम शॉर्टेड,
ये छोटा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल शेप में हो जाएगा, फिर क्या सीक्रेट करेगा, एक सिस्ट वॉल को सीक्रेट करेगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ सिस्ट वॉल, इसको वो सीक्रेट करेगा अराउंड इट, अपनी चारों तरफ जो ये मोनोसिस्टिस जो है, जो ट्रोफोजोइट है, ये अपनी चारों ओर एक सिस्ट वॉल को प्रोड्यूस करेगा, सीक्रेट करेगा। विद इन द सिस्ट द गैमेटोसाइट नेवर फ्यूज, दिस टाइप ऑफ पेयरिंग इज नोन एज सीजीजी। इस पेयर को हम सीजीजी कहते हैं। विद ट्रोफोजोइट जो होता है, कुछ समय तक ग्रोथ एंड फीडिंग करने के बाद एक ओवल शेप में हो जाता है, आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, ये ट्रोफोजोइट, एडल्ट ट्रोफोजोइट ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये कुछ समय तक ग्रोथ एंड फीडिंग करने के बाद, मतलब ये ग्रो करेगा और फीडिंग करने के बाद, आफ्टर फीडिंग करने के बाद ये ओवल शेप में चेंज होने लगता है, ठीक है, जिसे हम गैमोड कहते हैं, इसको हम गैमोड कहेंगे, ठीक है, ये गैमोड रिप्रोडक्शन यूनिट कहलाते हैं, ठीक है, यही गैमोड जो है ये रिप्रोडक्शन यूनिट कहलाते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं। कुछ समय बाद देखो, कुछ समय बाद ये स्मॉल साइज में हो जाएंगे और इसकी चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सीजीजी आप यही समझ लो कि ये जो ट्रोफोजोइट है, ये चेंज होने के बाद बने दो गैमोन, जो दो गैमोन आपस में बने हैं, आपस में पेयर प्रोड्यूस करते हैं, इसी क्रिया को हम सीजीजी कहते हैं। तो मतलब ट्रोफोजोइट जो है, ये फीडिंग और ग्रोइंग करने के बाद कुछ समय बाद ये ज्वाइंट हो जाते हैं, पेयर के रूप में प्रोड्यूस, पेयर में प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसी को हम इस क्रिया को हम सीजीजी कहते हैं। गैमेटोगोनी, विद इन द गैमेटोसाइसिस ईच गैमीट अंडरगोस न्यूक्लियर मल्टीप्लीकेशन बाई माइटोसिस, द न्यूक्लियाई फॉर्म मूव्स टू पेरीफेरी एंड गेट सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म, दिस स्ट्रक्चर नाउ बिकम फ्री एज गैमीट। अभी मैंने बताया कि गैमेटोगोनी क्या होता है, मोनोसिस की लाइफ साइकिल में पाया जाने वाला ये बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही गैमेटोगोनी कहलाता है, बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही गैमेटोगोनी कहलाता है, यही आगे चलकर गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जाइगोट का निर्माण करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये सीजीजी हो गया। इसके बाद ये आप इतना देख रहे होगे, ये तीन स्टेज ये गैमेटोगोनी कहलाता है, ठीक है, गैमेटोगोनी क्या, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और जाइगोट का निर्माण हो रहा है, जाइगोट बनना है, ठीक है। अब ये आउटर जो लेयर है, ये ऊपरी जो सिस्ट वॉल है, इसको हम बोलेंगे गैमेटो सिस्ट। दो लेयर होती हैं, एक्टोसिस्ट एंड एंडोसिस्ट, इनके अंदर जो ये पेयर के रूप में है, इसको हम बोलेंगे गैमेटोसाइट्स। फिर इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा बाय माइटोसिस, मल्टीपल डिवीजन होगा, किसमें, न्यूक्लियर में इसके, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय माइटोसिस, इससे डिवीजन होगा, न्यूक्लियाई फॉर्म मूव टू द पेरीफेरी एंड गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, दिस स्ट्रक्चर नाउ फ्री एस गैमेट। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें डिवीजन हो, मल्टीपल डिवीजन हुआ, ठीक है, मल्टीपल डिवीजन होगा और ये कहाँ पहुँच गया, इस बॉडी की किनारे पे, पूरे चारों तरफ पहुँच गया, डॉटर न्यूक्लियाई लिखा हुआ। तो अब डायग्राम में देखे हुए, तो ये गैमेटोगोनी है, गैमेटोसाइट पेयरिंग में है। अब क्या कर रहा है, इसमें माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस से कई न्यूक्लियस डिवाइड करके, देखिए न्यूक्लियस डिवाइड कर लिए, फिर ये ग्रो कर रहे हैं आइसोगैमेट्स,
रेसिडुअल साइटोप्लाज्म, गैमेट्स पेयरिंग, गैमेट्स पेयरिंग है। सिंगैमी, द गैमेट्स मिंगल विद इन द गैमेटोसिस्ट एंड फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। टू गैमोन्स यूनाइटेड इन पेयर कम फ्रॉम गैमेटोसिस्ट ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, देखिए जो दो गैमोन्स है पेयर में प्रोड्यूस होने के बाद इसको चारों तरफ, एक आपने देखा होगा चारों तरफ क्या हुआ, एक मोटी वॉल का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम गैमेटोसिस्ट कह दिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ गैमेटोसिस्ट। ठीक है, फिर इसमें न्यूक्लियस जो है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होकर कई सारे न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर लिया। यहाँ आप देख सकते हो इसमें जो न्यूक्लियस है माइटोसिस से डिवीजन कर करके कई सारे न्यूक्लियस इसमें बना लिए। ठीक है, जो गैमेट के रूप में फंक्शन कर रहे हैं, ये यही न्यूक्लियस गैमेट के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। तो हम एक को मैक्रो न्यूक्लियस बोल सकते हैं, एक को माइक्रो न्यूक्लियस बोल सकते हैं। यही आपस में फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, फ्यूज करेंगे तब फर्टिलाइज कॉन्टिन्यूसली इसमें डिवाइड हुआ होकर न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर लिया, कई न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर लिया जो गैमेट का फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों गैमोन्ट में प्रोड्यूस होने वाले, जो दोनों गैमोन्ट्स हैं इसमें प्रोड्यूस होने वाले गैमेट आपस में मिलकर फ्यूज होकर बहुत सारे जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। देखो जो ये न्यूक्लियस यहाँ पर आप देख रहे हो डॉटर न्यूक्लियाई, ये ग्रो करके कई सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं इसमें। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, आपस में फ्यूज़ होकर देखिए यहाँ पर, यहाँ देख सकते हो ये गैमेट्स पेयरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, गैमेट्स पेयरिंग, ये आपस में फ्यूज होकर कई सारे जायगोट का फॉर्मेशन कर रही है। आप यहाँ देख सकते हो ये वाला, ठीक है, तो कई सारे मैनी जायगोट का मैनी जायगोट को प्रोड्यूस कर लिए है। इसमें जो न्यूक्लियस था ये गैमेट्स का ही फंक्शन कर रहा है। तो ये आपस में पेयरिंग करके आपस में फ्यूज होकर बहुत सारे जायगोट को प्रोड्यूस कर लिया। इसी क्रिया को, जो ये क्रिया है, ये क्रिया हो रही जो प्रोसेस हो रही है, इसी को हम सिंगैमी कहते हैं। सिंगैमी कि मतलब जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर बहुत सारे जायगोट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी को हम सिंगैमी कहते हैं। तो अब स्पोरोगोनी नाम से क्लियर है कि स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ ईच जाइगोट ट्रांसफॉर्म इनटू यूनिसेलुलर ओवल बॉडी कॉल स्पोरोब्लास्ट। अब जो जाइगोट के बाद जो सेल बना है वो ओवल शेप में है, जिसको हम स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। देखिए ये जाइगोट डेवलप करके क्या बन गया, स्पोरोब्लास्ट बन गया। ठीक है, स्पोरोब्लास्ट, ये इतना आप, ये दो स्टेज स्पोरोगोनी। ठीक है, दिस स्पोरोब्लास्ट सीक्रेट्स ए थिक सिस्ट वॉल। अब जो ये स्पोरोब्लास्ट जो है ये भी क्या करेंगे, सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करेंगे, वॉल एंड बिकम स्पोरोसिस्ट। Inside the sporocyst, the spore undergoes three successive nuclear division and produce 8 daughter cell. ये भी अपनी चारों तरफ, जो ये स्पोरोब्लास्ट है ये भी अपनी चारों तरफ अपनी पूरी बॉडी की सरफेस पे क्या करेंगे, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर देंगे जिसको हम बोलेंगे स्पोरोसिस्ट। अभी आप स्पोर अंदर देख सकते हो, इसमें भी डिवीजन होगा, आउटर लेयर को गैमेटोसिस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियर डिवीजन होगा और कितना प्रोड्यूस कर लेगा, 8 डॉटर सेल इसी के अंदर, सेल के अंदर
एट डाउटर सेल इसके अंदर ही देखोगे आप, चार इधर दिख रहा है, चार इधर दिख रहा है, एट डाउटर सेल इसमें प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। नाउ ईच डाउटर सेल गेट सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्मिक मास एंड फॉर्म स्पोरोजोइट। आफ्टर सम टाइम द सिस्ट वॉल रक्चर्स एंड स्पोर आर लिबरेटेड, मतलब आजाद हो जाना यहाँ लिखा हुआ है, इनटू सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म, फिर अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में पहुँच जाता है। स्पोर इंजेस्टेड बाई अर्थवॉर्म, ये इसी स्पोर, ये कैसे ये स्पोर इंजेस्ट कर जाता है अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में चला जाता है। देखो ये यहाँ से आप कई सारे दिख रहे हो ना स्पोर, ये सिंगल यहाँ पर एक दिखाया हुआ है। तो डेवलपिंग स्पोरोजोइट, इसमें स्पोरोजोइट डेवलप हो रहा है, ये बाहर की जो लेयर है इसको हम स्पोरोसिस्ट कहेंगे। तो स्पोरोगोनी क्या है, मतलब गैमेटोसाइट के अंदर प्रोड्यूस जो हो रहा है, प्रोड्यूस होने वाले जितने भी जाइगोट्स हैं गैमेटोसिस्ट में, जो भी प्रोड्यूस होने वाले जाइगोट जो हैं वो ओवल शेप एंड यूनिसेलुलर होते हैं। जो ये जाइगोट आपने देखा है ये ओवल शेप में और यूनिसेलुलर होता है, जिसे हम स्पोरोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। अब इसके चारों तरफ एक थिक वॉल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, अरेंज होता है, थिक वॉल अरेंज रहती है, देखिए थिक वॉल अरेंज होती है, जिसे हम स्पोरोसिस्ट कहते हैं। ये थिक वॉल आप देख रहे हो, ये गैमेटोसिस्ट मत देखना, गैमेटोसिस्ट नहीं, ये स्पोर पे जो थिक वॉल है, स्पोर पे जो ये वॉल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे स्पोरोसिस्ट। कुछ समय बाद ये स्पोरोसिस्ट जो है ये किस शेप में दिखने लगता है, बोट की शेप में। बोट आपने देखा होगा जो पानी में चलता है बोट, उसकी शेप में ये दिखने लगता है, और एक एल्गी है उसके समान भी ये दिखता है। और देखो मोनोसिस्ट जो है उसकी गैमेटोसाइट के अंदर बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, आप देख लो कई स्पोर इसमें प्रेजेंट हैं, जिससे प्रत्येक स्पोरोसिस्ट के अंदर ही अपने न्यूक्लियर डिवीजन को प्रोड्यूस करती है। इसी के अंदर भी एक स्पोरोसिस्ट को अगर आप देखो तो इसके अंदर ही न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस डिवीजन होता रहता है। अब ये इसको स्पिंडल शेप में चेंज हो गया है, जिसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं। अब स्पोरोसिस्ट के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद जो स्पोरोसिस्ट है, ये स्पोरोसिस्ट आप देख सकते हो ना, स्पोरोसिस्ट, इसके डिस्ट्रॉय मतलब इसके ख़त्म हो जाने के बाद ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं, ये स्पोर रिलीज हो जाएंगे। देखो स्पोरोसिस्ट है ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये सेमिनल वेसिकल के में स्टोर हो जाते हैं तथा रिप्रोडक्शन में प्रोसेस द्वारा ये स्पोरोजोइट एक अर्थवॉर्म से दूसरे अर्थवॉर्म में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। देख सकते हो ना आप यहाँ पर स्पोरोसिस्ट है ये, फिर ये ब्रस्ट, ब्रस्टिंग स्पोरोसिस्ट यहाँ लिखा हुआ, ये ब्रस्ट करके फिर स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट फिर ये कहाँ पर चला गया, अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में घुस गया। देखिए स्पोरोजोइट इंटरिंग स्पर्म मोरूला, इसके स्पर्म में एंटर कर जाएगा, फिर इसके स्पर्म में डेवलपिंग ट्रोफोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट है ये डेवलप करके ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रोफोजोइट। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजोइट जो आप दिख रहा है इसमें आप ये स्पोरोजोइट पेलिकल के द्वारा घिरी रहती है, इसमें साइटोप्लाज्म में स्पष्ट एक न्यूक्लियस, एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये सब पाए जाते हैं इसमें।
ट्रांसफरेंस, द स्पोर ऑफ मोनोसिस्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल ऑफ अर्थवॉर्म टू अदर बाय डिफरेंट एजेंट्स। मतलब एक अर्थवॉर्म में एक अर्थवॉर्म से दूसरी अर्थवॉर्म में ये ट्रांसफर होते रहते हैं। जब अर्थवॉर्म में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो ये स्पोरोजोइट एक अर्थवॉर्म से दूसरे अर्थवॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रोपोजोइट अगर देखते हैं, डेवलपमेंट तो स्पोरोजोइट जो ये होस्ट होता है, होस्ट बॉडी के अंदर, मतलब अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म में फ्लोटिंग करता रहता है, मतलब उसमें तैरता रहता है। एक बार आप इसके लाइफ साइकिल की ये जो डायग्राम है इससे एक बार और आप समझ लो कि देखो मोनोसिस्टिस जो है, मोनोसिस्टिस एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है। मोनोजेनेटिक और एंडोपैरासाइट, इसका ये मतलब होता है, मोनोजेनेटिक मतलब एक होस्ट, सिंगल होस्ट, ठीक है। डाइजेनेटिक कहेंगे तो दो होस्ट होगा, तो ये सिंगल होस्ट पर। एंडोपैरासाइट कहने का मतलब है किसी पर अपना, किसी पर निर्भर होना, मतलब किसी होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना। बट इसमें लिखा हुआ है एंडोपैरासाइट, मतलब लाइफ साइकिल किसी होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना एंडोपैरासाइट कहलाता है। मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है, अब जिसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट होती है। देखो मोनोसिस्ट में लाइफ साइकिल जो होता है इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, और इसकी जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी फॉलोइंग कई स्टेप्स होते हैं, जैसे गैमेटोगोनी हो गया, ठीक है, गैमेटोगोनी। तो गैमेटोगोनी क्या होता है, जो इसमें पाए जाने वाला, मोनोसिस्ट में पाए जाने वाला बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही गैमेटोगोनी कहलाता है, मतलब यही गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इसी के जो गोनेट्स होते हैं वो गैमोन के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, जो अभी मैंने बोला है कि गैमेटोगोनी, तो गैमोन के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। यही गैमोन्स जो होता है आगे चलकर पेयर के रूप में आगे चलकर गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब ये आप ये देख रहे हो जो ये पेयर में है, यही आगे चलकर गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस द्वारा जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यही ये जो स्टेप है, इसकी जो प्रक्रिया है, ये कई स्टेप में कंप्लीट होती है, जैसे सीजीजी हो गया, सिंगैमी हो गया। तो जो देखो ट्रोफोजोइट कुछ समय तक ग्रोथ करेगा, और फीडिंग करने के बाद, इसके बाद जब ग्रोथ कर जाएगा और फीडिंग करने के बाद ये एक शेप में हो जाएगा, ओवल शेप स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसे हम गैमोट्स कहते हैं। आप गैमोट्स देख सकते हो ना, इसी को हम गैमोट्स कहेंगे। यही गैमोन्स रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है। अब यही गैमोन्स कुछ समय बाद, देखो ये वाला आप स्टेप देख लो, कुछ समय बाद ये शेप में चेंज हो जाएगा, स्मॉल होकर स्फेरिकल शेप में हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो गैमोन्स आपस में पेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पेयर हैं ये पेयर्स में प्रोड्यूस हैं, इसी क्रिया को हम सीजीजी कहते हैं, संयोग, इसी को हम संयोग कहते हैं, सीजीजी कहते हैं। अब इसमें कितनी जो इसमें ये न्यूक्लियस आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियस इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता है, बहुत ही ज़्यादा ये मल्टीप्लाई करता है। कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होता रहता है,
जो गैमिट का फॉर्मेशन करती है, गैमिट के रूप में फंक्शन करेगी। यही आगे चलकर गैमिट के रूप में फंक्शन करेगी। जैसे आप ये देख रहे हो, यही गैमिट्स इसको बना दिए, गैमिट्स पेयरिंग। ये पेयर होकर क्या बना लिया, जायगोट बना लिया। अब यही जायगोट थोड़ा डेवलप होके स्पोरोब्लास्ट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जब पेयरिंग करके ये जो न्यूक्लियस था, ये गैमिट का ही फॉर्मेशन, गैमिट के रूप में ही फंक्शन कर रहा है न्यूक्लियस जो है। तो ये जब पेयर होके जायगोट बनाया, जिसको हम बोलेंगे सिंगगैमी। अब ये स्पोरो को नहीं देख रहे हो आप, तो गैमिटोसाइट्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाले जितने भी जायगोट्स हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। इसको हम स्पोरोब्लास्ट कहेंगे। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको हम स्पोरोब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। तो स्पोरोब्लास्ट का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। और स्पोरोब्लास्ट मतलब एवरी स्पोरोब्लास्ट के चारों तरफ एक थिक वॉल अरेंज हो जाती है, जिसको हम स्पोरोसिस्ट कहते हैं। देखो ये देख सकते हैं ना स्पोरोसिस्ट। अब सारे स्पोरोब्लास्ट के सराउंडेड जो एक वॉल है, उसको हम गैमिटोसिस्ट कहेंगे। और जो इस पर जो स्पोर है, उस पर जो वॉल प्रेजेंट है, उसको हम स्पोरोसिस्ट कहेंगे। और ये कुछ बोट की शेप में दिखिए, अगर ये आप सब देख रहे हो, इसमें अगर एक सिंगल आप देखो, ये सिंगल आप देखो, तो ये एक बोट की शेप में दिखाई देगी। इसमें आप इसमें कई स्पोर प्रेजेंट है, देख रहे हो ना। फिर यही कुछ समय बाद डेवलप होकर ये ब्रस्ट कर जाएगा, जो इसका स्पोरोसिस्ट है, यहाँ देख सकते हो, ब्रस्ट करके फ्री स्पोरोजोइड, जो स्पोरोजोइड इसमें थे डेवलप करने के बाद, ये फ्री स्विमिंग करके जो स्पर्म है, अर्थवर्म का स्पर्म मोरूला है इसकी, उसमें वो एंटर कर जाएंगे। फिर इंटर करने के बाद इसमें इसका ग्रोथ होगा, यहाँ ग्रोथ होगा, फिर ये डेवलपिंग डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है इसमें, फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, यंग ट्रोपोजोइड। अब यंग ट्रोपोजोइड पे आप ये दिख रहा होगा सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, बट ये सीलिया नहीं है, ये स्पर्म टेल है। जो अर्थवॉर्म का स्पर्म है, स्पर्म कुछ तो स्पर्म का जो टेल होता है, हेड तो इसके अंदर, इसकी स्पोर इसके ट्रोफोजोइट में, इसकी जो पेलिकल की पेलिकल है उसके अंदर धंसा होता है। तो इसका जो पूंछ होता है, जो टेल होता है, वो बाहर की तरफ दिखता है। तो ये ऐसा लगता है कि ये सीलिया प्रेजेंट है, बट ये सीलिया नहीं होता, ये स्पर्म का टेल होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बीएससी की दूसरे किसी और टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। फाइलम सिलेंड्रेटा से बिलोंग करता है एक एनिमल ओबिलिया, जो आपकी बीएससी की सिलेबस में है, बीएससी में टॉपिक है ओबिलिया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।